स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था बेटा। एक तो कोलिजन टाइप्स हमारी हो गई थी, ठीक है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक के सारे कोलिजन की कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक, इसी के बेस पे एक आपका बनता है कि बुलेट और ब्लॉक के बीच कोलिजन की कंडीशन। ठीक है, उसमें क्वेश्चन कई बार पुटअप किए गए हैं, तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। और फिर एक आता है रिबाउंसिंग ऑफ बॉल, रिबाउंसिंग ऑफ बॉल। ठीक है, कोई बॉल अगर किसी हाइट से आप ड्रॉप करते हो तो वो देखो, अगर बॉल होता है जब ऊपर से गिराते हैं तो फिर वो टकराने के बाद वापस आता है, फिर नीचे जाता है वापस आता है, लेकिन हर बार जब वो टकराने के बाद वापस आता है तो सेम हाइट अटेन नहीं करता है, क्योंकि बॉल और ग्राउंड यानी एयर सरफेस के बीच में या जहाँ जिस फास पे वो गिर रहा है उसके बीच में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो फिर रिटेन करके उतनी ही हाइट गेन करता, बट हर कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी बेटा लॉस हो जाती है, इसलिए आपका जो रिटेनिंग हाइट होता है पहले के रिस्पेक्ट में घटता जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखते हैं टाइम बचता है तो क्वेश्चंस करेंगे कुछ। चलिए देखते हैं बेटा, तो कोलिजन ऑफ हम लोग पहले पढ़ेंगे कोलिजन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक। कोलिजन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देख लीजिए अब। तो पॉइंट हमारा टॉपिक हो गया बेटा कोलिजन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक। यूनिट आपका वही है अभी क्या कोलिजन चैप्टर में ही। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। एक सपोज के लिए ये ब्लॉक है, ये किसी नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से इसको आपने हैंग कर दिया। एक बुलेट है बेटा, इसकी तरफ आता है बुलेट है, ठीक है, जो मान लो यू वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। इसका मास हम लोगों ने मान लिया बेटा कैपिटल एम है, और जो बुलेट इसकी तरफ आ रहा है ना, दिस इज द बुलेट, इसका मास स्मॉल एम है, वेलोसिटी जो है इसकी यू, यू वेलोसिटी से इसकी तरफ आता है। जब ये आके हिट करेगा बेटा, जब ये आके क्या करेगा, ठीक है, इसको हिट करेगा, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी हाई है, जब इसको हिट करेगा ना, तो ये जो आपका क्या है यहाँ पे मास लटका हुआ है, हैंग किया गया है, ये आगे की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे किसी चीज को लटका दीजिए, पत्थर से मारिए, तो वो क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा टकराने के बाद, तो ऐसे ही आगे मूव करता है। हमने सपोज किया कि ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन तक पहुंचता है, जब इससे के साथ टकराता है तो इस पोजीशन पे आके ये रुकता है आपका। इसके साइज वही रहेगी रिमेनिंग, ऐसे नहीं कि साइज में कोई चेंजेस नहीं हो जाते बेटा। ये गया इसके साथ पेनिट्रेट कर गया, उसमें पेनिट्रेट कर गया उस ब्लॉक में जो हैंग किया जा रहा था, और आपका वो जो ब्लॉक है वो शिफ्ट कर गया इसके टकराने की वजह से इतनी हाइट तक, मान लो यहाँ से चला और उस हाइट तक जाके बेटा यहाँ तक पहुंच गया। अब जब ऊपर तक ही जा रहा है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, इसके सेंटर ऑफ मास से कुछ समथिंग हाइट होगा, कुछ हाइट मतलब क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा तो समथिंग कुछ हाइट होगा ना। सपोज दैट बेटा, पहले इसका लेंथ हम लोगों ने टोटल लेंथ एल लिया था, जिस स्ट्रिंग से इस ब्लॉक को हमने हैंग किया इसका टोटल लेंथ एल है, और ये यहाँ से एच हाइट तक शिफ्ट कर जाता है टकराने के बाद। ये आपका बेटा ब्लॉक जो है ये एच हाइट तक, यहाँ से इसकी हाइट जो दी जा रही है एच हाइट तक ये शिफ्ट कर गया। ठीक, एच हाइट तक टकराने के बाद वो क्या कर रहा है आपका, शिफ्ट कर जा रहा है। तो उस कंडीशन में शिफ्टिंग की वजह से यहाँ से जो एंगल बनेगा बेटा वो हमारा मान लो थीटा है, ये तो टोटल लेंथ आपका एल ही रहेगा, लेकिन अब ये वाली जो लेंथ बची, यहाँ से जो लेंथ बची, ये एल माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। मतलब ये जो वर्टिकल एंगल में ये हाइट जो मिलेगी, ये हमारा एल माइनस क्या हो जाएगा, अब एच के बराबर हो जाएगा। तो ये तो डायग्राम है, ये तो हम लोगों ने डायग्राम देख लिया कि अगर कंडीशन जो बन रही है बेटा, जो सिचुएशन हम लोग का बन रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से आपने इसको क्या किया, एक क्या है, ठीक है, यहाँ से एक बुलेट है आके इस बॉब से टकराया, बुलेट है इस बॉब से आके क्या किया बेटा, टकराया। टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, सपोज दैट एच हाइट तक इसकी शिफ्टिंग हो गई। कितने हाइट तक शिफ्टिंग हो गई बेटा, एच हाइट तक इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, जब इसको एच हाइट तक शिफ्ट कर दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस हाइट पे पहुंचने पे, ठीक, इस हाइट पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। मतलब ये तब तक ऊपर की तरफ जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, और ये वेलोसिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, इस बुलेट के हिट होने की वजह से यहाँ से वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अगर वेलोसिटी की टर्म में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो माना कि जो वेलोसिटी हमारी यू है, जिस वेलोसिटी से आपका बुलेट आके इसको हिट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी, ठीक है, जो वेलोसिटी हमारी है टकराने के बाद कितनी हो जाएगी, कोलिजन के बाद जो आपका होगा, यानी कि बुलेट प्लस क्या जो बॉब आप है या ब्लॉक है,
उसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। तो सपोज एक कोलिजन के जस्ट बाद, इससे कोलिजन के बाद इसके जो वेलोसिटी हो रही है, हमने सपोज कर लिया बेटा वी हो जा रहा है, कोलिजन के जस्ट बाद इसकी जो वेलोसिटी मान लो हमने क्या क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया वी हो जा रही है, ठीक है। तो आपका होगा इफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन इज वी, इफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, तो हम पहले निकालेंगे बेटा वेलोसिटी, पहला यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बेटा वेलोसिटी क्या होगा। तो बोलेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक, इज वी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो हो रही है वो वी हो रही है। अब यहाँ पे ब्लॉक मतलब ब्लॉक प्लस बेटा बुलेट होगा, क्योंकि बुलेट इसी में जाके पेनिट्रेट कर जाएगा, बुलेट जाके उसी में क्या करेगा आपका पेनिट्रेट कर जाएगा। तो मोमेंटम जो आपका होगा, मोमेंटम की जब बात करेंगे, ठीक है, बुलेट की जो मोमेंटम, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा देंगे बेटा बाय, थोड़ा सा बेटा इधर से ही लिखते हैं क्योंकि अभी बहुत चीजें हमें यहाँ लिखनी हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ, दिख रहा है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इनिशियल जो है ये रेस्ट में था, पहले ये रेस्ट में था बेटा, हम यहाँ वेलोसिटी नहीं दिखा रहे बल्कि लैंग्वेज में ही लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखाने से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि पहले से इसकी वेलोसिटी है, पहले से वेलोसिटी नहीं है, वो टकराने के बाद वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे इसलिए वहां से हमने वेलोसिटी को हटा दिया। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा। देखो हम लोग इनिशियल मोमेंटम जब इसमें बेटा पेनिट्रेट कर जाएगा तो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाली कहानी होगी ना, और परफेक्टली जब इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन बन रही है तो ये टकराने के बाद इसमें जब पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है, तो दोनों बॉडी साथ साथ, यानी कि बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ साथ मूव करेंगे, बुलेट और ब्लॉक दोनों में मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा बेटा वो हमारा कैसा होगा, साथ साथ होगा। तो जब यहाँ पे साथ साथ होगा तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है, पी इनिशियल इक्वल टू हो गया पी फाइनल, पी इनिशियल की वैल्यू पी फाइनल, पी इनिशियल जो है स्मॉल एम इंटू यू, क्योंकि खाली हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी थी उस समय, आपका ब्लॉक हैंगिंग कंडीशन में था, ठीक है, इक्वल टू होगा वहां पे लेंगे आप तो एम इंटू यू, एम इंटू क्या हो गया एम इंटू यू, ठीक है, किसका, एक मिनट रुक जाओ, जब इसे पेनिट्रेट कर गया तो टोटल मास एक ही कंबाइन कर दो बेटा, एम प्लस स्मॉल एम कर लो, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू, हम लोगों ने लिया है वेलोसिटी कितना, कोलिजन के बाद वेलोसिटी लिखा बेटा वी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या कंसीडर किया वी, तो यहाँ से वी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वी इक्वल टू आ गया एम यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, और जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी बेटा वही हमारा किसका हो जाएगा, ठीक है, बुलेट की भी होगी कोलिजन के बाद, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की सिचुएशन बन रही है, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोगों ने इतना फाइंड कर लिया बेटा। एक दूसरा कंडीशन हमें पूछा जाता है, दूसरा सिचुएशन पूछा जाता है बेटा, कि जब ये दोनों मूव करेंगे ना, ये दोनों मूव करेंगे तो आपकी कितनी हाइट तक गया, एच हाइट तक गया, तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, तो उस केस में बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जब यहाँ टकराएगा तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इस ब्लॉक और किसका बुलेट का, ठीक है, ये यहाँ पे जब पहुंचेगा बेटा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी आप, हम लोगों ने पहले कहा कि स्फीयर यानी सिस्टम, ये वेलोसिटी आपका यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमें एक बार उसकी फाइंड करना है, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया बुलेट प्लस ब्लॉक, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक, और जब दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अगर आपको फाइंड करना बुलेट की वैल्यू उस हाइट के टर्म में क्या मिलेगा, तो सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें अगर फाइंड करना है, तो देखो
एनर्जी कंजर्वेशन अगर कंसीडर कर लिया जाए तो ये जो आपका है यहाँ पे इस बुलेट ब्लॉक, हमने वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड कर लिया है बेटा सिस्टम का, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे पहुंचने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम की क्या काइनेटिक एनर्जी है लोवेस्ट पॉइंट पे, वो एच हाइट पे जाने के बाद वो उसके किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट होगी। तो हम लिख लेंगे, ठीक है, बाई कंजर्वेशन आप क्या किसकी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बाई कंजर्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से जब देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच। ठीक, लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ब्लॉक और इसका दोनों का कंबाइंड जो वेलोसिटी है ये है बेटा, ये हमारी वेलोसिटी कंबाइंड आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ, दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू जी इनटू एच। ये उस साइड पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया बेटा। ठीक, अब यहाँ पे वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है कंबाइंड सिस्टम का है बेटा, ये जो वेलोसिटी हमें मिल रहा है यहाँ पे किसका मिल रहा है? कंबाइंड सिस्टम का मिल रहा है। तो यहाँ से निकालो जरा, देखो ये एम प्लस एम, एम प्लस एम दोनों साइड से है बेटा, हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा टू जी इंटू एच। ये वैल्यू हमारे किसकी आ रही है? वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी एच के बराबर है, यानी कि वी की वैल्यू निकालोगे तो रूट टू जी एच हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। नॉर्मल कंडीशन में एच हाइट से कोई चीज ड्रॉप किया जाता है तो वेलोसिटी यही मिलती है, टू जी इंटू एच। इसको बना लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट बना लेते हैं बेटा, इसको सेकेंड बना लेते हैं। ये वेलासिटी ये वाली है, तो प्राइमरी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंपेयर करेंगे, प्राइमरी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करते हैं बेटा, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं अगर कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ वी की जगह रख दो इतना, तो रूट टू जी इंटू एच इक्वल टू यहाँ पे है बेटा एम इंटू यू अपान स्मॉल एम इंटू प्लस कैपिटल एम। देखिए हमें फाइंड करना था यहाँ पे यू की वैल्यू, तो यू की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी रही होगी, ये आएगा बेटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू रूट टू जी एच, या इसको ब्रैकेट में कर लो बेटा इंटू रूट टू जी एच अपान हो जाएगा बेटा स्मॉल एम। अरे यहाँ से यू की वैल्यू निकालनी थी, ये किधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारा वाई में आ गया, तो ये वैल्यू हमारी हो गई बेटा कि बुलेट की जो वेलोसिटी रही होगी वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दी गई है वो हमारी कितनी होगी, इस रिलेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बुलेट किस वेलोसिटी से आके टकराया होगा, ठीक है, उसके लिए अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो यहाँ से हमने निकाल लिया स्मॉल एम प्लस एम रूट टू जी एच अपान स्मॉल एम, ये बेटा एच आपको तब दी रहेगी। अगर वेलोसिटी बुलेट की दी गई है तब तो सीधा सीधा हमारा बुलेट की वेलोसिटी दी गई है, तो कोई बात ही नहीं है। अगर बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी से बुलेट आएगा कि वो एच हाइट तक शिफ्ट कर जाए, अगर एच की वैल्यू गिवन होगी तो रिलेशन आप यही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल एम है मास ऑफ द बुलेट, कैपिटल एम है मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक, तीसरे केस हमारे बनते हैं, तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया, क्या होगा बेटा जब कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो हम लोग निकालते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, थर्ड पॉइंट बनेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब कोलिजन आपका इसके साथ में होगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस की वैल्यू कितनी होगी, जब कोलिजन आपका हो रहा है ना तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, तो उस केस में देखो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था हाफ एम वन एम टू अपान एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर।
ठीक है, ई वन माइनस यू टू का क्या पड़ा था बेटा, होल स्क्वायर। तो ये होगा डेल्टा के, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी होगा डेल्टा के की जो वैल्यू आएगी हाफ। देखो पीछे हम लोगों ने कल अभी इन इलास्टिक ओरिजिन पढ़ा था, तो उसके इसमें हाफ एम वन एम टू अपान एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर किया था। तो हाफ एम वन एम टू अपान एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट में यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, एम वन की वैल्यू स्मॉल एम ले लीजिए, एम टू की वैल्यू क्या लीजिए कैपिटल एम ले लीजिए, ठीक है। और यू टू, यू टू इसकी वेलोसिटी होती थी, तो यहाँ पे इसके लिए यू की वैल्यू जीरो है। तो ये डेल्टा के लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बेटा हाफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यू वन की वैल्यू यू है, बुलेट की वेलोसिटी यू है, लेकिन आपका क्या जो बॉब है यानी कि जो हमारा ब्लॉक था, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो थी। तो यू टू की वैल्यू जीरो हो गई, यू वन की वैल्यू यू हो गई, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो गया इसमें लास्ट की वैल्यू ये आ गई, ठीक। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। एक और पूछा जाता बेटा एंगल कितना बनेगा, एंगल, ठीक है। अब एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां से ये थीटा बन रहा है ना, दिस इज द एंगल, इस एंगल की वैल्यू अगर एच आपने कैलकुलेट कर लिया है और एल की वैल्यू दी गई है, एच आपने कैलकुलेट कर लिया और एल की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, तो उस केस में एंगल की वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, याद है किसी को, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं बेटा, तो साइन थीटा लिखते हैं आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या, बेस, बेस का इस ट्रायंगल के लिए बेटा बेस का काम एल माइनस एच करेगा और हाइपोटेन्यूज का काम करेगा आपका एल, ठीक। तो यहाँ पे होगा अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, एंगल की बात करते हैं, तो कॉस थीटा एंगल फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल से आपका एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, तो यहां से आप निकालेंगे बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू आएगा ये एल माइनस एच अपान क्या, एल, कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेटा एल माइनस एच अपान एल। यहां से अगर हम लोग एल बाई एल इसको लिख सकते हैं वन माइनस एच बाई क्या, अब खाली बाई किसका रहेगा, एच का रहेगा, वन माइनस एच बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस एच बाई एल के क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया, ठीक है, 1 माइनस कितना एच बाई एल के बराबर। यहां से हम लोगों ने फाइंड कर लिया किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दूसरी कंडीशन, वहां से एच की वैल्यू जैसे हम लोगों ने कहीं निकाला होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हाइट, इसकी हाइट जो होगी, हाइट की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे रखा है ना हम लोगों ने एच, ठीक है, रूट टू जी एच, तो अगर यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करना हो तो पूरा स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे पूरा स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 2gh, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू आएगी m स्क्वायर u स्क्वायर अपान, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2g ब्रैकेट में m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, किसकी वैल्यू, h की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहाँ पे, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा u स्क्वायर अपान 2gl, u स्क्वायर अपान 2gl ब्रैकेट में m अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू आता है यू स्क्वायर बाई टू जी एल, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू फाइंड, यहां से भी एच हम निकाल सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन से एच की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, एच के पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपान हो जाएगा क्या m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अभी हमारा बचा है 2g, तो 2g हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई करने पे हमारा आता है बेटा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, ठीक है, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl ब्रैकेट में m प्लस क्या, m अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल m का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा cos थीटा 1 माइनस, अब हमें एच की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे रखने पे मिल क्या रहा है, यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू एल
स्मॉल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को अगर हम लोग क्या थीटा निकालते हैं तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। आप थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे बेटा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ब्रैकेट लगा दो, वन माइनस यू स्क्वायर अपान टू जी इंटू एल ब्रैकेट में स्मॉल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपका, यहां से अगर एंगल आपको कहीं फाइंड करना है तो वैल्यू ये मिल जाएगी, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये मिलेगी। और वर्टिकल हाइट गेन हम लिख ही देते, वहां नहीं लिखे हैं। अगर यहां से एच की वैल्यू निकालते हैं वर्टिकल हाइट गेन, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते इसके बाद, यही लिख लेते बेटा वर्टिकल हाइट गेन, कितना वर्टिकल हाइट गेन कर रहा है इस मोस्ट इसमें कोलिजन में, वर्टिकल हाइट गेन की जो वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड, देखो फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड यहां से रख दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा बेटा यू स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा इंटू टू जी एच, टू जी एच हमने इसको स्क्वायर कर दिया, पूरे क्वेश्चन का क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। हमें एच की वैल्यू फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एच इक्वल टू देखो ये जाएगा बेटा इधर की तरफ तो आएगा एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, कैपिटल एम का होल स्क्वायर, और ये टू जी भी हमारा नीचे आ जाएगा ना, तो टू जी हो गया बेटा। इसी को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, तो एच की वैल्यू जो है इस टर्म में हम लिख लेते हैं बेटा। देखो एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपान एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर है तो पूरे का हम कर लेते हैं वन अपान टू जी, ये हो जाएगा एम यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है यहाँ से हमारा एच की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, एच की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करके, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करके निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई, क्या होगी कैसे होगी, वहां से हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। एच निकालना है तो यहाँ से आप निकाल लेना, थीटा निकालना है यहाँ से निकाल लेना, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, वेलोसिटी जो बुलेट की होगी कोलिजन से पहले अगर हाइट आपको दी गई है तो आप यहां से निकाल लेना, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगा सिस्टम का तो आप यहां से निकाल लेना। तो इतने क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं, फिलहाल जो कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा बेटा ना, तो सारा नहीं पूछा जाएगा यार, इनमें से किसी एक पार्ट पे ही क्वेश्चन बनेगा आपका, कोई एक पार्ट पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन ये है कि अगर मान लो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको पहले ये वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, रिलेट करके निकालना आना चाहिए तभी निकलेगा। तो फार्मूला याद रखना, जिस पार्ट पे पूछा जाएगा उस पार्ट पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे भी, इस कॉन्सेप्ट पे भी कई बार आपको क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक। तो एक बार एक मिनट आप देख लीजिए, फिर अगला हम कॉन्सेप्ट बताएं। हो गया बेटा, समझ गया, चलिए ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है रीबाउंसिंग ऑफ बॉल, रीबाउंसिंग ऑफ हम लोग पढ़ते बेटा बॉल,
तो नेक्स्ट कांट हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट अपना है रीबाउंसिंग ऑफ बाल कहलाता है, ठीक है। मतलब बाल को हम छोड़ते हैं किसी हाइट से, तो आएगा गिरेगा फिर टकरा के ऊपर आएगा फिर गिरेगा, लेकिन जब टकरा के ऊपर आए हम ड्रॉप कर रहे, ध्यान देना, फेंक नहीं रहे। थ्रो करना अलग होता है बेटा, ड्रॉप करना अलग होता है। थ्रो का मतलब आप पहले ही नीचे बेलास्टे दे के फेंकोगे, तब हो सकता है टकराने के बाद आपका और ऊंचाई तक जाए, ठीक है। लेकिन जब किसी भी बॉल को आप आइडेंट ऐसे ऐसे हाथ में ले लिए, ऐसे पकड़ लिए, छोड़ दिए उसको, जब छोड़ने को नीचे गिरेगा ना, आप घर पे बैठ कर कर सकते हो, कभी भी जिस हाइट से आपने गिराया है उतने हाइट तक वापस वो नहीं पहुंचता है, उतने हाइट तक कभी भी वापस नहीं पहुंचता। रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि कोलिजन जो होगा ना, जिस सरफेस पे आप गिराओगे और जो आपका बॉल है उनके बीच कोलिजन जो होता है वो इन इलास्टिक होता है, कभी भी इलास्टिक नहीं होता है। और जब इन इलास्टिक होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह हमारी क्या करेगी, लॉस होगी। और जब बेटा एनर्जी का लॉस होता है, अगर सिस्टम एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन पे ठीक है कभी भी उतनी हाइट दोबारा वो अटेंड नहीं करता है, उस केस में कभी भी सेम हाइट वो अटेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी बनती है कि मतलब सेम हाइट वो अटेंड फिर नहीं कर पाएगा, वहां पे आपका सेम हाइट को वो अटेंड नहीं करेगा। तो ये चीजें आपकी होती हैं, क्या होंगी कैसे होंगी, ठीक है, हम लोग यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे। रीबाउंसिंग ऑफ बाल उसी कहते हैं, उसी को टर्म क्या देते हैं, रीबाउंसिंग ऑफ बाल। अब डायग्राम अभी हम बना लेंगे कैसे, इस पे ग्राफिकली भी बनाए जाते हैं, रीबाउंसिंग ऑफ बाल बेटा, मतलब बाल को अगर हम लोग गिराएंगे ड्रॉप करेंगे तो रीबाउंस कैसे होता है, कैसे उसकी रीबाउंसिंग होती है, उसी को टर्म देते हैं हम लोग रिबाउंसिंग ऑफ बाल। और इसमें इतनी चीजें पूछी जाती है, सुन लीजिए, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे हम क्या फार्मूला बेस्ड बनेगा। तो वहां पे होता क्या है, एक तो पूछा जाता है कि रिबाउंस करने के बाद, जैसे आपने ड्रॉप किया, मान लो एच हाइट से ड्रॉप करें या एच नॉट से ले लिया, मान लो पहला हाइट हमने एच नॉट ले लिया, एच जीरो, ठीक। अब एच नॉट से हाइट से आप ड्रॉप करेंगे तो जब कोई भी चीज फ्रीली ड्रॉप किया जाता है बेटा ना, अगर एच हाइट से ड्रॉप करता है तो जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा, ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी जो गेन करता है रूट टू जी एच के बराबर होता है। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी गेन करेगा बेटा वो रूट टू जी एच के क्या होता है आपका, बराबर होता है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे वहां जो वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो रूट टू जी एच हो गया पहुंचने पे, उसी को हम लोग वी नॉट कर लो या यू नॉट कह लीजिए। अब जब टकराएगा तो वहां पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, इसीलिए अगेन जब हाइट गेन करेगा ना तो पहले की तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक तो कंडीशन बनेगा कि मान लो सेकेंड रिबाउंस की बात कर रहे हो, थर्ड रिबाउंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस रिबाउंस के बाद उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, वेलोसिटी आफ्टर एंथ रिबाउंस, ठीक है, रिबाउंसिंग के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो चीज हमें निकालना होता है बेटा, ठीक। दूसरा कंडीशन वो मान लो फोर्थ रिबाउंस की हम बात करें, फोर्थ रिबाउंस में कितना हाइट गेन करेगा, हाइट की वैल्यू आपको पूछी जाती है, फोर्थ रिबाउंस के बाद उसमें कितना वो हाइट गेन करेगा। अगला कंडीशन पूछा जाता है, ठीक है, टोटल रेस्ट में आने से पहले कुल कितना वो हाइट गेन करेगा, मतलब टोटल उसे डिस्टेंस कह सकते हो, जैसे गिरा ऊपर आया नीचे आया ऊपर आया नीचे आया, तो कुल कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा बिफोर कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कुल कितना करेगा, ठीक है, टोटल कितना आपका क्या हाइट वहां पे या डिस्टेंस कवर करेगा, वो चीजें आपकी होती है। और एक पूछा था टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा रेस्ट में आने से पहले, टोटल टाइम क्या होगा उसको रेस्ट में आने से पहले कितना वो टाइम को लेगा, ठीक है, कि उसके बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे कैसे हम दिखाते हैं, डायग्राम दिखा लेते हैं थोड़ा सा बेटा, क्योंकि उसी से बातें बनेंगी। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक, थोड़ा सा कर लेते हैं जैसे दिखा रहे हैं। देखिए सपोज के ऊपर से आपने यहां से ये आपका एच नॉट हाइट है, यहां से गिरा ड्रॉप करना शुरू किया बेटा, यहां से जब ये गिरेगा ना ऐसे आके यहाँ गिरा, सपोज दैट आके यहाँ पे टकरा रहा है, इस पोजीशन पे आके वो टकराया। अब यहाँ टकराने के बाद फिर रिबाउंस होके जाएगा, क्या करेगा वो, रिबाउंस होके ऊपर जाएगा, तो इसके बाद ये रिबाउंस होगा,
और आपका किसी पर्टिकुलर हाइट तक गया, लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो सेकेंड रिबाउंस में हाइट होगी पहले वाली रिबाउंस की हाइट से कम हो जाएगी बेटा। थोड़ा इसको हम कम कर लेते हैं जिससे हमें बनाने में आसानी हो। मान लिया पहला रिबाउंस ड्रॉपिंग हमारी यहाँ से, इससे सेकेंड रिबाउंस यहाँ पे हुआ, सेकेंड से फर्स्ट रिबाउंस हुआ, ये सेकेंड वाला जब होगा ना बेटा फिर ये जाएगा यहाँ से, जब रिबाउंस होगा तो ये हाइट गेन करेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, नेक्स्ट रिबाउंस में जो हाइट गेन होगा वो उसके प्रिसीडिंग यानी पहले वाला जो रिबाउंस है उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, घटता जाता है। मान लो हमने यहाँ तक का दिखाया ऐसे, ऐसे अगला रहेगा फिर घटेगा फिर घटेगा फिर घटेगा, ठीक है, यानी डिक्रीजमेंट होता रहेगा। पहले वाली जो हाइट हम लोग ले रहे हैं बेटा वो मान लो H8 ले लो, पहले वाले हाइट को क्या ले लिया हमने, H8 ले लिया। ये जो यहाँ से ड्रॉप कर रहा है बेटा ये हाइट हमारा H8 है, यहाँ पे पहुंचा ठीक, ये फिर से आपका यहाँ से रिबाउंस हुआ, तो ये जो आपकी हाइट सेकेंड वाली ले रहे हैं हम लोग सपोज दैट H1 ले लिया, और ऐसे अगला वाला हो जाएगा बेटा H2 हाइट ले लिया हमने, ये जो हाइट हम लोग ले रहे हैं ये H2 है, नेक्स्ट H3 H4 HN तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट रिबाउंस हमारा होता रहता है, वहां से हमें ठीक है हाइट घटती जाती है, हाइट की वैल्यू क्या होगी, घटती जाती है ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, जब ये यहाँ से पहला वाला जो बात हम लोग कर रहे हैं ऊपर से जब ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी क्या फाइंड करेगा, वेलोसिटी बेटा वो क्या फाइंड करेगा, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक आने का हम, ये ओरिजिन है, ये वैल्यू हमारा T0 है, इसकी वैल्यू को हम लोगों ने T1 ले लिया, इसकी वैल्यू T2, ऐसे T3 T4 एंड सो ऑन हो जाएगा बेटा ठीक। तो केसेस क्या हो रहे हैं, ये T0 यहाँ तक है ध्यान देंगे, और ये वैल्यू हमारा T1 यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी रिबाउंस करने में T2 होगा, अगला जब रिबाउंस करेगा T3 हो जाएगा T4 हो जाएगा एंड सो ऑन ठीक। तो ये तो हमारा डायग्रामेटिकल कंडीशन आपकी बनी। देखो बेटा हम लोग एच हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेलासिटी क्या गेन करेगा, तो हम लोग कहते हैं इफ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच देन वेलासिटी अटेंड व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस या ठीक है फ्लोर ठीक है हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो लिखते हैं वेलोसिटी अटेंड बाई, वेलोसिटी अटेंड बाई बॉल व्हेन इट रीचेस कहाँ पे, कहाँ पहुंचेगा बेटा, जब आप ड्रॉप करेंगे तो कहाँ वो पहुंचेगा, ग्राउंड पे ठीक है। व्हेन इट रीचेस ऑन यहां से लिख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन बना लेते हैं क्योंकि जिससे एक लाइन वहां लिखने भर का हो जाए, व्हेन इट रीचेस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम लोग देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, पढ़ा है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला ही क्वेश्चन आप लगा दो तो यहाँ से आएगा बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग पढ़ते हैं यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फार्मूला है हमारा, यहाँ वी स्क्वायर हो गया, यू की वैल्यू इनिशियली यहाँ से ड्रॉप की जा रही है, यहाँ से जब ड्रॉप करेंगे बेटा तो यू की वैल्यू क्या होगा, जीरो। जब हम किसी चीज को फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकेंगे बेटा, उस समय जीरो ले लेंगे, तो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 2gh0, हाइट हमने लिया है h0, तो v की वैल्यू आगे सीधा बेटा √2gh। सबको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत बार यूज में आता है आज। तो जो वेलोसिटी वो पहुंचने पे होगा ठीक है वो कितना हो गया, √2gh0 के बराबर हो गया। ये पहली वेलोसिटी है जब वो यहाँ पे आके टकराएगा, इस टकराने वाले पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ये आ गया हमारा √2gh0 के बराबर हो गया। अब कहलाता है ठीक है इट रिबाउंस फ्रॉम द फ्लोर विथ स्पीड, यानी टकराने के बाद किस वेलोसिटी से वो रिबाउंस होगा ठीक है। तो देखो वहां पे जो वेलोसिटी होगा रिबाउंसिंग के बाद वो उसके कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा बेटा ठीक है, यानी कि जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कोलिजन के बाद हमारी एनर्जी लॉस होगी ना, क्योंकि कोलिजन हमारा यहाँ पे इन इलास्टिक हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है ये भी ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो जाके चिपक जाएगा वो फिर वापस नहीं जाएगा, तो इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो फिर टकराने के बाद वो क्या करेगा, रिबाउंस करेगा। अब हम लिखते हैं इट रिबाउंस फ्रॉम द क्या,
फ्लोर विथ ए स्पीड इट रिबाउंस या बॉल रिबाउंस फ्रॉम द फ्लोर rebounded from the floor. बॉल rebounded from the floor. फ्लोर से बॉल क्या होगा आपका rebounded होगा बॉल rebounded from the floor. ठीक है with velocity. With velocity. तो v1 हमने ले लिया v1 की वैल्यू होगी e into v0 और E की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस V नॉट की वैल्यू टू रूट जी एच नॉट हो गया तो V1 की वैल्यू आ गई E इंटू रूट टू जी एच नॉट. ये पहला रिबाउंस के बाद जो वेलोसिटी है वो चीजें हमारे निकाल लेते बेटे. E होता है वही वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. यहाँ पे E जो होगा वो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी क्या होगा बिफोर कोलिजन होता है. तो ये कंडीशन हमने निकाली है कि वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी ठीक है जब वो टकराने के बाद रिबाउंस करेगा. टकराने के बाद रिबाउंस होगा तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी इसके बेस पे इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग बेटा उसको फाइंड कर लेते हैं. फिर आपको पूछा जाता है फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंस. फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंस कितना होगा फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंस. तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखो एच वन की वैल्यू टकराने के बाद वो बी वन वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो हमारा तब तक ऊपर जाता है बेटा जब तक वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं हो जाती है. तो हम लोगों ने पढ़ा था v इक्वल टू रूट टू जी एच तो v स्क्वायर की जब स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा टू जी एच और पहला हाइट हमारा एच वन है तो वहां पे और वेलोसिटी हमारी क्या है वी वन है तो उस केस में उस इक्वेशन से हम लोग यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेते हैं बेटा. ठीक है तो करेंगे हम लोग फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंस पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट हाइट ऑफ रिबाउंस. ठीक तो पहली हाइट जो रिबाउंस का होगा पहले जो हाइट हमारी रिबाउंस की होगी यानी इस एच वन की वैल्यू कितनी होगी तो ये फिर ऊपर जा किस वेलोसिटी से रहा रिबाउंस की बात बेटा बी वन वेलोसिटी से जा रहा है ना रिबाउंस के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है बी वन वेलोसिटी जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो एच वन आएगा एच वन की वैल्यू आएगी बी वन स्क्वायर अपॉन टू जी. तो H1 की जो वैल्यू आएगी ये V1 स्क्वायर बाई टू जी. ठीक H1 की वैल्यू क्या आएगी अरे हम अगर ऐसे ओपन करके लिख देते बेटा अभी देखो यहाँ पे H की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन से आप लगा दो तो हमारा वेलोसिटी कितना है V1 स्क्वायर लिख लेते हैं पूरा बेटा अगर समझने के लिए V1 स्क्वायर. ठीक V1 डैश स्क्वायर कर दो अब इक्वल टू होगा V1 स्क्वायर टकराने के बाद V1 स्क्वायर से जा रहा है यहाँ जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ठीक है V1 स्क्वायर और प्लस हो गया बेटा हमारा कितना 2GH1 फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जा रही जीरो. अब यहाँ पे साइन चूंकि ऊपर जाएगा तो यहाँ साइन हम नेगेटिव ले लेंगे बेटा तो ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई इक्वल टू बी वन स्क्वायर माइनस टू जी एच वन. तो यहाँ पे H1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे H1 इक्वल टू होगा बी वन स्क्वायर अपॉन टू जी. बी वन स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2G. इसी क्वेश्चन से बी वन की वैल्यू आप रख दो इस क्वेश्चन से बी वन की वैल्यू रख दो तो बी वन की वैल्यू होगी ई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना इंटू ये बचेगा टू जी एच नॉट अपान कितना टू जी. देखो बेटा टू जी कट गया तो बचा हमारा जो यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी एच वन की वैल्यू जो आई एच वन इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एच नॉट यानी कि पहले रिबाउंस के बाद जो हाइट वो गेन करेगा वो ई स्क्वायर इंटू क्या हो गया एच नॉट के बराबर हो गया. ठीक ऐसे सीधा लिख लेते बेटा सो ठीक है हाइट क्या ऑफ द बॉल आफ्टर द nth रिबाउंस सो हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंस nth रिबाउंस के बाद पूछा जाता है बेटा हमारी तब हाइट कितनी हो जाएगी nth रिबाउंस के बाद जो होगा वो हाइट कितनी होगी एक रिबाउंस के बाद ई स्क्वायर इंटू एच नॉट है बेटा ना तो nth रिबाउंस के बाद एच एन की जो वैल्यू होगी
HN की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे बेटा, HN इक्वल टू होगा ई स्क्वायर के पावर 2N। ठीक है, जैसे ए के था तो n था, n था करेंगे 2, तो क्या हो गया ई स्क्वायर के पावर 2N हो जाएगा। ई स्क्वायर के पावर 2N इंटू HN8 इंटू HN8। फार्मूला थोड़ा याद रखना बेटा, फार्मूले को याद रखिएगा। फर्स्ट रिबाउंस के बाद ई स्क्वायर बाई HN8 है, और nth रिबाउंस के बाद हो जाएगा एच एन की वैल्यू ई स्क्वायर के पावर 2N इंटू HN8 के बराबर होता है। याद रखें ई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन यहाँ पे 1 होगा। ई की वैल्यू जहां भी हमारी आ रही ना, ई की वैल्यू जो है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ई की हमेशा 1 से क्या होता है बेटा, लेस होता है। इसीलिए हर रिबाउंस के बाद आपका जो हाइट होती है वो घटती जाती है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट बनता है बेटा टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे पूरा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पूरा पूछा जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट या बिफोर इट स्टॉप रिबाउंसिंग। पॉइंट बनता है बेटा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉल बिफोर बिफोर इट स्टॉप रीबाउंसिंग। रीबाउंसिंग जो होता है उसको बंद करने के, ठीक है, रीबाउंसिंग स्टॉप करने के, ठीक है, पहले जब वो रिबाउंस करना बंद करेगा टोटल हाइट कितना गेन करता है बेटा। अब एक एक स्टेप करके हमको करना पड़ता है, उतना ना तो टाइम है ना आपको रिक्वायरमेंट है। हम फार्मूला आप याद रखिएगा, टोटल अगर आपने इसने एच कितना किया, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है यहाँ पे, अगर ये एच कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है एच कर रहा है, तो एच की जो वैल्यू होती है, एच की जो वैल्यू होगी HN8। HN8 मतलब इनिशियल जो था। ठीक है, HN8 क्या है, जहां से हम लोग यहाँ पे ड्राफ कर रहे हैं वो है अब। ठीक है, इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। एच इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर के क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग दिखा देते हैं कि टोटल कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले, यानी रिबाउंसिंग बंद करने स्टॉप करने से पहले टोटल वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा बेटा। ये चीजें हमारे यहाँ से हो जाती है, यहाँ से हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बिफोर कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अगला एक पॉइंट और इसमें बनता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप रिबाउंसिंग। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप बाउंसिंग, टू स्टॉप बाउंसिंग या रिबाउंसिंग कर लो, रिबाउंसिंग स्टॉप करने से पहले टोटल वो कितना क्या करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा, वो चीजें होती हैं। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो रिबाउंसिंग स्टॉप करने से पहले, जैसे एक गया पहला वाला आया 3 8 लगा, दूसरा वाला यहाँ से जाएगा बेटा फिर आएगा, तो 2T1 ऐसे, ये 2T2 2T3 टोटल जब हम लोग ऐड करते हैं, तो टोटल ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है बेटा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू √2 एच नॉट बाई जी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ भी लिखेंगे, तो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आती है टाइम की वैल्यू, देखो पहला वाला जो आया होगा उसको टाइम जो हमारा क्या है, उस नीचे तक आने में जो टाइम लगता है बेटा आता है √2 H0 / G, और आगे हो जाएगा तो हर स्टेप को जोड़ोगे आप तो वैल्यू आपके फाइनली कट करने के बाद आता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू √2 H0 / G। फार्मूला याद रखिएगा 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन ई इंटू √2 H0 / G। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हमारे रेडीमेड है, अगर सॉल्व कर दे तो काफी लंबा सा जाएगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, अपने यहाँ डेरिवेशन, यहाँ पे आपके यहाँ डेरिवेशन का कोई रोल नहीं है, बोर्ड में पूछा नहीं जाता है।
ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है आपका फार्मूला जो बनेगा हमारा, ठीक है, एच की वैल्यू एच आर वन प्लस सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर, ई है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सारे केसेस में हमारा ई कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होते हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, वहां पे जब दो बॉडी के बीच कोलिजन की हम लोग बात करते थे, तो उस केस में हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते थे। यहाँ पे ई जो है वेलोसिटी, यहीं पे कहीं लिख दे बेटा, यहाँ पे ई जो है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाएगा, ई की वैल्यू वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे जो होगी एक से छोटी होगी, ऑलवेज लेस देन क्या होगा यहाँ पे वैल्यू वन होगा बेटा। ठीक है, इसलिए वैल्यू ऑलवेज लेस देन क्या होती है हमारी, वन होती है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसका जो वैल्यू आपका होगा वो हमेशा एक से क्या होता है बेटा, कम होता है। तो इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा ये दिखा देते। तो कॉन्सेप्ट जरा सा देख लीजिए, समझ में आ गया, याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार इन फार्मूलों पे आपको पूछे गए हैं। ठीक है, इन फार्मूले ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा, कई बार। यहाँ B1 की तो वैसे नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट किया, एक क्वेश्चन सेकंड किया, एक क्वेश्चन हम लोगों ने थर्ड कर लिया, एक क्वेश्चन आपने फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, और ये सिक्स्थ कर लिया बेटा। ठीक है, ये इन क्वेश्चन पे कई बार क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन आपको बेटा इन क्वेश्चन पे हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, बार बार उस पर क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं। चलो बेटा, तो ये हमारा हो गया था, यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपका होता है कैसे होगा क्या होगा, तो ये कोलिजन की कंडीशन आपकी हो गई। ठीक है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है क्या होगा, कोलिजन कैसे होंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलों के बेटा जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछा जाता है। और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स होंगी कंप्लीटली, तो पलट के देख लीजिए, कई बार इन पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी होती हैं, ये रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको फ्री में नंबर दे के जाते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक, चलिए बाकी आगे हम लोग देखते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो फिलहाल कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनता है बेटा, कि जैसे एक है तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बार बार पूछा जाता है, कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, एक्सप्लोसिव बॉडी है, एक्सप्लोसिव मतलब जो विस्फोटक सामान होते हैं, एक्सप्लोसिव बॉडी है कोई बेटा, रेस्ट में है, कैसा है वो, रेस्ट में है, और वो एक्सप्लोड करता है। अब एक्सप्लोजन में कई टाइप का देता है, कभी कभी देता है इक्वल पार्ट में टूटता है बेटा। ऐसे सुन लो, कुछ पॉइंट आप सुन लीजिए जो कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट बनते हैं। अगर कोई भी एक्सप्लोसिव बॉडी है, पहले रेस्ट में है और वो ब्रेक करता है दो इक्वल पार्ट में, कैसे करता है, दो इक्वल पार्ट में, तो पूछा क्या जाता है, दोनों पार्ट एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों पार्ट सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों पार्ट सेम वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर दो कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, जब भी वो बेटा दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, तो हमेशा, क्योंकि इनिशियली तो हमारा रेस्ट में था, रेस्ट में था, इसका तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। कोलिजन यानी कि एक्सप्लोजन के बाद जब वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो हमेशा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर मासेज उनके बराबर हैं तो वेलोसिटी भी हमारी बराबर होती है, तो सेम वेलोसिटी से बेटा वो, ठीक है, कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अगर दोनों के मासेज आपके इक्वल हैं। और अगर मास इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो बेटा जो हैवियर पार्ट होगा तब भी अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, लेकिन जो हैवियर पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी कम, जो लाइटर पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी
ज्यादा होगी, क्योंकि जब अपोजिट होगा तो मोमेंटम दोनों का क्या होगा, जब आप एक डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी हमारा जीरो होना चाहिए। ये तो दो इक्वल पार्ट की कहानी थी, लेकिन आपको कम्पिटेटिव लेवल पे अब नहीं पूछा जाएगा बेटा, पापा के जमाने में पूछे जाते थे, आपके जमाने में स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आपके जमाने में नहीं पूछेगा दो इक्वल पार्ट में टूटा या दो अनइक्वल पार्ट में टूटा तो उनका मोशन किधर हुआ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बट अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है तो जनरली ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट ऐसा कोई डिटेल नहीं है कि नहीं ही आ जाए, आ भी सकता है, ठीक है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी पुटअप कर दिए जाते हैं। सेकेंड पार्ट आज के डेट में जो मोस्टली आ रहा है बेटा, जो पैटर्न है, तो वो आपका क्या होते हैं, ठीक है, अब दो से ज्यादा मान लो तीन पार्ट में टूटते हैं, अब तीन पार्ट में टूटते हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है इक्वल पार्ट है कि अनइक्वल पार्ट है। इक्वल पार्ट में भी तीनों टूट सकते हैं और तीनों अनइक्वल पार्ट में भी टूट सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी आपका टूटता है, जब भी इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक, तो दो पार्ट उसमें अगर मान लो तीन पार्ट में टूटा तो उसमें से कम दो पार्ट हमेशा इक्वल मास का दिया जाता है, दो पार्ट जो होते हैं वो हमेशा इक्वल देते हैं, तीनों भी इक्वल हो सकता है या केवल दो ही इक्वल हो, ठीक है। तो वो दो पार्ट इक्वल का होता है, और जो इक्वल वाले होते हैं ना उनका मूवमेंट मोस्टली परपेंडिकुलर दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, तो थर्ड सेगमेंट की जो होती है वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती है। तीसरा जो सेगमेंट होता है बेटा उसकी आपको वेलोसिटी फाइंड करना होता है, ठीक है। तो केसेस क्या होगा, कैसे होगा, हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, कई बार इस पे भी पुटअप किया गया है। डायग्राम देखिए, ये मान लो हमारा कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक बम, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ये पहले रेस्ट में है, मास टोटल मान लो हमारा कैपिटल है बेटा, पहले ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो यू की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। ये एक्सप्लोड करता है, ये एक्सप्लोड करता है, ठीक है। इस तरह से इसका एक्सप्लोजन हो रहा है कि दो पार्ट उसके इक्वल इक्वल हैं बेटा, और तीसरा पार्ट आपका है भी है, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन इक्वल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अनइक्वल वाले पे आजकल पूछा जा रहा है, उस पर भी देख लेते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट वही रहेगा इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जब ब्रेक कर रहा है बेटा, एक्सप्लोड हो रहा है, तो दो पार्ट इसके हमारे इक्वल इक्वल हो रहे हैं और तीसरा पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा है, ये तीन पार्ट में टूटा, इसका मास कैपिटल एम था, इसका मास कितना था, कैपिटल एम था, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इनका मास इनके मास की तुलना में हैवियर है, अगर इसका कैपिटल एम लिया था और इसका हम लोगों ने बेटा स्मॉल एम स्मॉल एम, तो इसका आपका आ रहा है बेटा 3m, इसका 3 टाइम्स आपका मास है, कितना टाइम है बेटा, 3 स्मॉल m है, ठीक। मतलब जो बिगर पार्ट है उसका मास स्मॉलर पार्ट का 3 गुना है, स्मॉलर पार्ट का कितने टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है बेटा। तो कंडीशन क्या बनेगा, यानी कि ये टोटल 5m हुआ, 5m इक्वल टू कैपिटल एम, तो एम की जो वैल्यू स्मॉल एम की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा बेटा क्या, m/5। इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू कैपिटल m/5 है, इसकी वैल्यू भी कैपिटल m/ कितना है, 5 है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगा तो 3m की वैल्यू हो जाएगा 3 कैपिटल m/ क्या, यहाँ दे लिख देते बेटा, ये 3 स्मॉल m था तो इसकी वैल्यू होगी 3 कैपिटल m/ कितना हो जाएगा, 5 हो गया, यानी कि m/5 m/5 पार्ट में दो टूटा और एक 3 m/5 पार्ट में टूटा, ठीक। ये जो कंडीशन आपको दी जा रही है इनकी वेलोसिटी कहा गया, ये टूटने के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर ली जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो थर्ड पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा जाए, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, अभी हम लोग एम वगैरह की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बेटा, ठीक। तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी डैश हमने मान लिया, इसकी वेलोसिटी हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कितना होगा, हमारा जो दोनों स्मॉलर सेगमेंट है ना वो उनकी वेलोसिटी आपको बेटा यहाँ पे दी दी जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू दी है 12 मीटर, मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी भी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कहा क्या जा रहा है थर्ड सेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड सेगमेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेगमेंट, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बिगर सेगमेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बिगर सेगमेंट आफ्टर
किसके किसमें एक्सप्लोजन? आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन के बाद जो बिगर सेगमेंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द बिगर सेगमेंट आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद जो हमारी बिगर सेगमेंट है, बड़ी वाला पार्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द बिगर सेगमेंट, आपको वेलोसिटी क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है वो चीज़ कितनी होगी, ये चीज़ हमें निकालना है बेटा। ठीक है, तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, सुनो जरा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक क्वेश्चन था, सोल्यूशन आपका हो जाएगा, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो बेटा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ क्या लिया हमने, उन्हें मोमेंटम ले लिया। ठीक, पी इनिशियल की जो वैल्यू होगी वो पी फाइनल के बराबर होगा। ध्यान रखना बेटा, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तब तो हम सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, बट किसी एंगुलर पे होगा, एंगल पे मोमेंट होगा, तो वहां पे आपको क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम तो फिलहाल हमारा जीरो है क्योंकि पहले बॉडी रेस्ट में थी। इनका मोमेंटम देखो, तीनों का सम हमारा बड़ा क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 है। एक दूसरे से कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं, 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। अगर एंगल कुछ और दिया रहेगा तो आप जो भी एंगल दिया रहेगा वो ले लेना आप। ठीक, तो इन दोनों का सम 90 हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इनका सम मान लो हमारा ले लिया P1, एक का वेक्टर P1 प्लस P2 प्लस क्या P3, नेट वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, जीरो के बराबर। P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और प्लस इन दोनों का हमने वेक्टर सम कर लिया बेटा, और इसकी वैल्यू हो गई प्लस कितना P3। P1 की वैल्यू जो आएगी, P1 की वैल्यू आ रही है हमारी m बाई क्या है, 5 है, चाहे m के टर्म में ले लो चाहे स्मॉल m के टर्म में ले लो, वैल्यू वही आएगी। मान लो हम लोगों ने m बाई 5 के टर्म में ही ले रहे हैं, m बाई 5 इंटू वेलोसिटी 12 है का स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू m बाई 5 इंटू 12 का स्क्वायर, और प्लस हो गया P3 इक्वल टू जीरो। P3 को इधर कर लो तो ये साइन माइनस हमारा इधर चला जाएगा बेटा। ठीक, ये दोनों फैक्टर दो बार आ रहा है ना, और दोनों स्क्वायर में है, तो यहाँ पे पूरे को बाहर ले लो, स्क्वायर रूट हटा दो, प्लस टू कर लो, तो ये आएगा बेटा m बाई 5 इंटू 12, पूरे का हो गया रूट कितना, देखो ये दो बार है, दो बार लिख लेंगे, इन प्लस टू का इंटू टू कर लेंगे, और ये पूरा बाहर हो जाएगा रूट के, खाली हमारा रूट टू बच जाएगा बेटा। और इस पी की जो वैल्यू आएगी ये हमारा आ रहा है कितना, 3m बाई 5 इंटू, मान लो हमारी वेलोसिटी वी हमने माना है, वहां पे वी डैश माना तो वी डैश कर लो, इक्वल टू हो गया। अब देखो m बाई 5 इंटू 12, रूट टू की वैल्यू होती बेटा 1.414, 1.41 ले लीजिए। देखो m बाई 5, m बाई 5 कैंसिल हो गया। ठीक, तो v डैश की वैल्यू हो गई, यहाँ से आप क्या कर लो, 3 को नीचे कर लो, तो 12 इंटू 1.41 अपान 3, 3 4 जा होता है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 पॉइंट नहीं 4 हो गया, 4 4 जा 16, 5 माइनस 5.64 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, या सीधे 4√2 कर सकते हो, इसी को हम लोग ऐसे रहने रूट में ही, आपके यहाँ ऑप्शन जो दिया जाता है बहुत सारे टाइम हमारा रूट में ही देते हैं, तो ये √2 ही कर लो ऐसे, तो ये हो गया 5, यहाँ से 3 से कटेगा तो 12 बाई क्या, 12√2/3 दैट इज 4√2, इसी टाइम में आपको आंसर मिल जाता है 4√2 मीटर पर सेकेंड। साइन यहाँ हम लोग निगेटिव ले रहे हैं बेटा, निगेटिव आने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इधर कहीं होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, हमेशा दोनों के रिजल्टेंट के क्या होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका इसकी शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ से दिखा लेते हैं, तो ये हो गया बेटा इस पे क्वेश्चन, एक क्या एक्सप्लोजन पे, तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने क्या जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सीधे क्वेश्चन के ही हैं, उसी पे आपको देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या डालिएगा, ये यूनिट अपना हो गया बेटा कम्प्लीट, ये यूनिट अपना हो गया है कम्प्लीट। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट यूनिट हम लोग करेंगे कैसे हुआ क्या होगा। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है रोटेशनल मोशन,
नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब उसमें हम लोग ये पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास वगैरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ डालिएगा और इस पे क्वेश्चन जो है इस यूनिट पे आप कर डालिएगा, बाकी फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक। तो इतना कर लीजिएगा, फिर आगे आपका डिस्कशन होगा अगला नेक्स्ट पार्ट का, ठीक।